नमस्ते, प्रैक्टिकल गुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपको बता रहा हूँ बजाज प्लेटिना बाइक का माइलेज किस तरीके से सेटिंग करते हैं। बहुत छोटी सी ट्रिक रहती है, यदि प्रॉपर तरीके से सेटिंग हो जाती है तो गाड़ी अच्छा एवरेज देती है, पिकअप भी अच्छा देती है और बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि एवरेज इसका सही ढंग से सेटिंग नहीं हुई कार्बोरेटर की तो वो एवरेज कम देगी। जब भी आप गाड़ी का एवरेज सेट कर रहे हैं तो गाड़ी को कम से कम 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के लगभग चलाने के बाद ही एवरेज को सेट करना चाहिए, ठीक है। तो वो किस तरीके से एवरेज सेट करेंगे मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगा किस तरीके से जो कंपनी की सेटिंग रहती है। तो मेरे पास मैनुअल है, मैनुअल के अनुसार ही मैं पूरी कंपनी की सेटिंग करता हूँ। तो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक आपको बता रहा हूँ। ये वाला आपको ये दिख रहा है, ये वॉल्यूम कंट्रोल स्क्रू है, यही एयर और फ्यूल का मिक्सचर तैयार करके सिलेंडर के अंदर भेजता है। ये वाला स्क्रू RPM स्क्रू रहता है और एक रहता है चोक। चोक का मेन काम रहता है एयर और चोक का मेन काम रहता है जब ठंड का समय होता है उस समय ज़्यादा मात्रा में एयर फ्यूल के मिक्सचर की ज़रूरत पड़ती है, उस समय चोक का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो 3 मेन स्क्रू रहता है। अब इसकी स्टैंडर्ड सेटिंग कितनी है मैं आपको बताता हूँ। एक बार मैं आपको गाड़ी चालू करके भी बताऊँगा और फिर चालू बंद करने के बाद में आपको पूरा सेटिंग बताऊँगा। तो जो किस तरीके से सेटिंग करते हैं उसका मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले गाड़ी को हम चालू करेंगे, ठीक है। गाड़ी को चालू किया, ये वाला स्क्रू रहता है, ये RPM स्क्रू रहता है, इसको हम बढ़ाएंगे, इसको अब रेस को बढ़ाएंगे, ठीक है। इसके बाद ये वाला वॉल्यूम कंट्रोल स्क्रू रहता है, उसको पूरा टाइट करेंगे, इसको पूरा वॉल्यूम कंट्रोल स्क्रू को पूरा ये टाइट कर लिया। अब इसको कितना खोलना है मैं आपको बता रहा हूँ, दो कितना खोलना है। अब मैं आपको वॉल्यूम कंट्रोल स्क्रू को खोल के बता रहा हूँ कितना खोलना है। ये हाफ हो गया, इधर को आधा, ध्यान से देखना आपको, ये बंद हो गया, ये 1.5, 2 और इतना। इसके बाद RPM को हम कम करेंगे, RPM को इतना कम करना है गाड़ी हमारी बंद ना हो। इतना हमको RPM को सेट करना है कि हमारी गाड़ी बंद ना हो। ये एक स्टैंडर्ड तरीका है किसी भी बाइक का माइलेज सेट करने का। एक छोटी ट्रिक में आप अपनी बाइक का अच्छे से माइलेज सेट कर सकते हो, चेक कर सकते हो। तो और आप जब भी आपका गाड़ी का आप एवरेज सेट कर रहे हो तो आपका एक्सीलेटर पे हाथ नहीं होना चाहिए और गाड़ी आपकी बंद नहीं होनी चाहिए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो में प्रकाश कुमार सैनी, थैंक यू।